Yes, we are live now. Hello friends. This is Imanchi and welcome थर्टी फोर होंगे, होंगे, होंगे. है एक्चुअल में बट एक क्वेश्चन कल लास्ट में जो है उसमें हरी खासा डाउट था वो मैं काफी धकी हुई थी तो उसपे भी पहले चर्चा कर लेंगे तो उसको मिलाकर के थर्टी फोर हो जाएंगे अदरवाइज थर्टी थ्री क्वेश्चन है ना? तो और ये जितनी भी पीडीएफ हैं मंडे तक आपको मिल जाएंगे यही ये वीकेंड वेट करके मैं जितनी भी पेंडिंग पीडीएफ हैं चाहे वो ऐप पर हो चाहे इधर हो सारी आप तक पहुंचा दूंगी और स्टार्ट करते हैं ये शर्ट की कहानी मैं आज कह रही थी इवनिंग वाली क्लास में बाद में लास्ट में सुनाऊंगी आज जब बिल्कुल अंत हो जाएगा दिन का है ना ऐसे इस शर्ट को पहन के आज मेरी ऐसे बहुत नोस्टाइल हो गया क्योंकि दो में चलिए अगर हम बात करें प्याजे का सिद्धांत इस पे ही क्वेश्चंस हैं इस बार के जितने भी ऑनलाइन में अलग अलग शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं अच्छे क्वेश्चंस भी हैं कुछ कुछ आसान क्वेश्चंस भी हैं ये जो पीडीएफ्स रहेंगी सारी वो मिल जाएंगी लेट्स लर्न स्क्वाइड पे सारे जो फ्री नोट्स हैं वो भी आपको आपको से आएगा, आएगा, तो कोई बात नहीं बट ऐसा होगा ही नहीं अगर आप मन से बैठे समझने की दृष्टि से बैठे सीखने की दृष्टि से बैठे तो ऐसा हो नहीं सकता की मजा ना आए ठीक है और इसके अलावा जो बैचेस हैं सी टेट के बैच हों चाहे वो चाहे वो डी टू बी के बैचेस हों चाहे वो आपके बिहार सेवंथ फेज के बैचेस हूँ सभी बैचेस में एडमिशन जो है आपके वो ओपन है करियर वेल ऐप पर कहीं और आप नहीं भटकेंगे किसी भी फेक वेबसाइट, किसी भी भी फेक फेक वेबसाइट टेलीग्राम चैनल है ना और पेडागोजी स्पेशल में भी इस मंडे तक एडमिशन आपके ओपन है जिनको सिर्फ पैडागोलॉजी पढ़नी है तो सिर्फ पैडागोलॉजी का बैच है और उसमें एडमिशन्स आपके मंडे को क्लोज करवा दिए जाएंगे तो वो आप ढूंढ के करियर वेल ऐप पे एनरोल कर लेना क्योंकि उसका पता रहता नहीं है कि वो कितने ड्यूरेशन में आए कितने टाइम बाद आए स्टार्ट करते हैं ये कल नाइनटीन क्वेश्चन था किसी ने कॉमेंट भी किया था मैंने देखा था और ये जब <coughs> मैंने इसको चेक किया तो मैंने देखा कि इसमें हम फ्लो फ्लो में निकल गए और ध्यान नहीं दे पाए कि जो इसका सही उत्तर है वो बी ना होकर के डी होगा ठीक है ना तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर यानी रचनावादी क्योंकि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और मेरी एनर्जी ऑलरेडी बहुत डाउन थी बहुत थकी हुई थी मैं कल तो हैप्पी बर्थडे कौन कर रहा है अभी कहां से बर्थडे आ गया भाई बहुत दूर है अभी बर्थडे ठीक है ना फी कितनी आठ सौ रुपए फीस है वो जो पेडोलॉजी वाला बैच है उसके अलावा पंद्रह सौ और बारह सौ ऐसी फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं होती सभी टीचर्स मिलते हैं आपको ठीक है जी चले आगे बढ़े हाँ मैं ठीक हूं यार थोड़ी बहुत एनर्जी लो है अच्छा जो शाम वाली क्लास थी ना सेकंड क्लास सात बजे वाली वो कैंसिल हुई है मैंने उसमें बता दिया था आपको कुछ इलेक्ट्रिक कट का प्रॉब्लम था तो जिनको नहीं पता लग पाया जो उस टाइम पे लाइव नहीं थे या कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनको मैं अभी बता देती हूँ तो वो आज वाली क्लास नहीं हुई है आप मंडे को मिलेंगे सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है यूट्यूब पे सैटरडे को भी मिलेंगे हम कल ईवीएस डिस्कस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर बैठिए आराम से पोल में जवाब दीजिए मस्त तरीके से है ना दीजिए क्वेश्चन दीजिए फटाफट से तो निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी या रचनावादी अध्यापक की विशेषता है रचनावादी कौन होते हैं आपका जो एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो एनसीएफ 2005 है वो किस पे बेस्ड है आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर लेते हैं थोड़ी सी आप इतने उत्तर दे दीजिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म बोले तो रचनावाद, रचनावाद, संरचनावाद भी भी या सृजनवाद कह देते हैं हिंदी में कई नाम हो सकते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपने इंग्लिश की तरफ के देख लेना है आप पहले जवाब दे दीजिए फिर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे ये कब का पेपर है ये आया हुआ है 24 जनवरी अभी 2023 में मॉर्निंग की शिफ्ट यानी पेपर वन में और ये पेपर अभी पे अपडेट नहीं हुए हैं बट ऑफकोर्स आप लोगों ने मेल में इतने सारे पेपर्स भेजे हुए हैं और इंटरनेट जो है अंतहीन है तो मेहनत करके ही हमारे पास हैं पेपर्स और हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं जल्दी सीटेट भी अपलोड कर देगा तो अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर रचनावादी शिक्षक की विशेषताएं कौन सी होंगी तो आंसर इसमें जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था आप सबने चीटिंग कर ली है मैं ये कहूंगी

अमूर्त हो गया ठीक चलिए खैर अगर हम बात करते हैं posing a lot of problems to be solved independently ये बात यहां पे गलत नहीं है बट सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देना ये कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आता ये सही हो जाता कोई दिक्कत नहीं थी अगर इससे बेटर ऑप्शन डी नहीं होता तो इसलिए हम इसी पे ज्यादा फोकस करके क्योंकि ये शुरुआत में था और निकल गए है ना ये गलत नहीं होता लेकिन कंडक्टिंग एक्टिविटीज दैट चैलेंज स्टूडेंट्स नाइव नाम की एक चीज होती है जिसको अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं एक नंबर का टॉपिक है आपके हर बार पूछा जाता है तो वो अजम्पन होती के अपने अनुभव के आधार पर पानी का रंग जो है वो हरा होता है क्योंकि उसने तालाब में हरे रंग का पानी देखा था जब टीचर ने पढ़ाया कि वॉटर इज कलरलेस तो उसका जो अजम्पन है वो ब्रेक होता है तो ऐसी एक्टिविटीज कराना जिससे जो अजम्पन हैं मतलब वो सही नॉलेज तक खुद से पहुंच पाए ठीक है ना डिस्कवर कर पाए ठीक है ना मोहम्मद मोनू सारे जो सेशन है से वो मैराथन देखो नोट पढ़ो है ना तब बनेगी ना बात तो ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले और वो नई अवधारणाएं या सही अवधारणाओं तक पहुंचे बच्चा एक्टिव रहता है कंस्ट्रक्टिविज्म में हमेशा अब इसके बारे में दो तीन बातें फिर हम आज के क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर वन पोल अभी मत दीजिएगा अभी हम चलेंगे इस नंबर है ये है क्वेश्चन आपका कि कौन सी समय पे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की समझ बच्चे में विकसित हो जाती है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद प्याजे और वाइगॉस की दोनों ही रचनावादी हैं और देखें तो ब्रूनर भी लेकिन आपके लिए ये दो इंपॉर्टेंट नाम हैं वाइगोस की दोनों क्या हैं रचनावादी हैं रचनावादी क्या मानते हैं रचनावादी मानते हैं कि बच्चा एक्टिविटी करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माता है यानी कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है वर्ड क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्शन से बना है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड ज्ञान का कंस्ट्रक्शन नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ज्ञान का सृजन करना ही सृजनात्मक है ठीक तो प्याजे जो हैं, वो विश्वास रखते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी वहीं अगर हम बात करें वाइगोस्की की तो इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है क्योंकि ये कहते हैं बच्चा समाज से अंत क्रिया करके इंटरैक्ट करके सीखेगा रचना करेगा ज्ञान की प्याजे कहते हैं समाज तो ठीक है समाज को वो कोई नकार नहीं रहे हैं पूरी तरह से लेकिन उतना महत्व उन्होंने नहीं दिया जितना वाइकॉस्टी ने दिया है प्याजे का फोकस जो है वो बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे ज्यादा है कि वो अपनी एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है तो वो हेरिडिटी पे एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं ये समाज संस्कृति और भाषा पे ज्यादा फोकस करते हैं सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज पर कौन वाइकॉस अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसमें दो और चीजें हैं जो हमें साथ में जान करके चलनी है आज का जो समय है वो रचनावाद का समय है, हम ये कह सकते हैं अब ये है क्या कंस्ट्रक्टिविज्म मैं अलग अलग चीजें बोलती रहती हूँ नए लोग जो होंगे उनको कंफ्यूजन होती होगी ये स्कूल ऑफ थॉट है मतलब डिफरेंट डिफरेंट विचारधाराओं का समूह बना हुआ है जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं है ना कंस्ट्रक्टिविज्म अब ये वन ऑफ द स्कूल्स है रचनावाद व्यवहारवाद एक और स्कूल है अब आज के समय में हम एजुकेशन सिस्टम में इसी को फॉलो करते हैं इसी को ज्यादा मानते हैं उसका रीजन ये है कि ये बच्चे को एक्टिव एक्सप्लोर मानता है यानी सक्रिय निर्माता मानता है ज्ञान का ये बच्चे को सेंटर में रखता है यानी कि इसकी अप्रोच क्या हो गई चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गई रचनावाद में बच्चे को केंद्र में रखा जाता है तो ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाता है पहली बात तो ये चाइल्ड सेंटर्ड बोले तो बाल केंद्रित जहां बच्चा केंद्र में है जहां टीचर केंद्र में नहीं है भाई दो तरह की अप्रोचेस होती हैं एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक डंडे से आप सिखा रहे हैं बच्चे को या रट्टे लगवा रहे हैं दूसरी है मॉडर्न डे अप्रोच जिसको प्रोग्रेसिव अप्रोच या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविज्म से जोड़ सकते हैं जिसमें बच्चा एक्टिव है उसमें टीचर ज्यादा एक्टिव था यहां दोनों एक्टिव है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव और चिल्ड्रन आर एक्टिव इन कंस्ट्रक्टिविज्म तो क्वेश्चन आता है पूछा जा चुका है कि बच्चा एक्टिव होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में कि टीचर तो टीचर सेंटर्ड जब क्लासरूम पूछेगा जहां शिक्षक केंद्रित है जो कक्षा कक्ष वहां टीचर एक्टिव है एनसीएफ है।, है? है 2005 अभी नया एनसीएफ भी आ गया ये किस पे बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म पे कंस्ट्रक्टिविज्म क्या मानता है टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में देखता है टीचर क्या है इनके लिए डिक्टेटर नहीं है हिटलर शाही नहीं है टीचर की टीचर एज अ फैसिलिटेटर है चैलेंज करने की ताकि ठीक कर सके टीचर एज अ फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता है शिक्षक कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग ठीक तो चलिए बच्चे की काफी भलाई की बात करेगा आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे आज के क्या है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेज थियरी ऑफ टिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू रिमेंबर इवेंट्स यानी अब उसको इवेंट्स याद हैं कल ये हुआ था परसों ये हुआ था कल हम वहां जाएंगे शादी में है ना परसों हम नानी के यहां गए थे कल मैं स्कूल नहीं गया था मतलब करेक्ट सीक्वेंस उसको अब याद रहने लग गया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का मतलब दुख दर्द परेशानी का समय शुरू हो गया क्योंकि इसी में तो है ना चीजें कि पास्ट में ये हुआ था पूरा जीवन निकाल देते हैं लोग प्रेजेंट में ये गड़बड़ है ठीक तो भूत वर्तमान और भविष्य काल को सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं बच्चे किस स्टेज में बताइए सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर होती होती है 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 एसपीसीएफ आपको पता है। सेंसरी होती है जन्म से दो वर्ष तो जन्म से दो वर्ष के बच्चे को तो अपनी दूध मिल जाए टाइम पे पार्टी कोई और साफ कर दे डायपर हटा दे इसी बात का ख्याल है उसको कहां पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की पड़ी है ठीक तो ये तो हट गया पी फॉर टू टू सेवन ईयर्स पूर्व संक्रियात्मक है दो से सात वर्ष की उम्र कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसको हम सी कहेंगे सात से ग्यारह वर्ष और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 अब ये तो हमें पता है कि फॉर्मल में तो आ ही जाएगा लेकिन बात हो रही है शुरू बिगिन टू रिमेंबर ये नहीं है कि कब तक या किस स्टेज में याद रखेगा तो ये भी हट गया प्री ऑपरेशनल इसलिए हट गया क्योंकि हम आपको याद होगा चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है सीरिएशन की कहानी याद होगी आपको कि सीरीज में लगाना भाई पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है एक सीरीज है एक क्रम है तो बच्चा क्रम में लगाना चाहे वो किसी लेंथ के आधार पे हो डेज के आधार पे हो छोटे से बड़ा बड़े से छोटा जो क्रम में लगाना है सीरिएशन कब आता है सीसीएस से याद करिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में और तभी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का करेक्ट सीक्वेंस उसको सेट होगा दिमाग में कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको ये पहले आ जाए अगेन वो वो का क्रिटिसिज्म बन जाएगा क्योंकि वो उनका अनुभव है उनको माहौल कैसा मिला है उनको ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस कैसा मिला है तो उस चक्कर में कई बार ऐसा हो सकता है कि, कि किसी स्टेज से पहले किसी बच्चे में कोई गुण आ जाए बट जनरली जो माना जाता है प्याजे की स्टेज के अकॉर्डिंग वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ठीक है जी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अब उसको पता है कि कल क्या था और परसों क्या था ये सेकंड फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर One है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे क्या है प्याजी का ही टॉपिक हुआ प्याजी जुड़े हुए हैं ये बर्थडे कौन किसने कहा बर्थडे है? है मेरा कोई बर्थडे नहीं है अभी है ना बहुत दूर है अभी बर्थडे सेप्टेम्बर देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू देखिए आई स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक बी ये हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं जब से इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे तब से 27 जनवरी 2023 पेपर वन है एक बच्चा है जो ऑब्जर्व करता है जो निरीक्षण करता है जो अवलोकन करता है कि एक स्टिक है एक छड़ी है एक लकड़ी है या वॉट जो स्टिक ए इज लॉन्गर या फिर क्या लिखा है यहां पर लार्जर देन स्टिक बी मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये है स्टिक ए ये स्टिक ए है ये स्टिक बी है आपको पता है ये स्टिक बी क्या हो गई छोटी हो गई स्टिक ए के सामने बात सही है एंड बी बी इज लार्जर देन सी बी इज लार्जर देन सी ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से ये बात हम समझ पा रहे हैं एक बच्चा है जिसको जो ये पता लगा पा रहा है बच्चे के लिए तो लिटिल साइंटिस्ट है ना प्याजी के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं ठीक बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द स्टूडेंट इन्फर्स दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक सी बट वेन आर सेम प्रॉब्लम वर्बली ही फेल्स टू मेक करेक्ट प्रमली हीस होता है अनुमान लगाना अकॉर्डिंग टू प्याजेस थियरी द स्टूडेंट इज एट विच स्टेज ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट यानी एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि एक छड़ी छड़ी है या एक स्टिक है जो कि ए नाम उसका रख दिया बी से लंबी है और बी जो है वो सी से लंबी है ये उसके हाथ में छड़ी हो सकती है, उसके दिमाग में या फोटो वो ऐसा कह पा रहा है। मतलब क्या, क्या जवाब तो मतलब। चलिए कोई बात नहीं देखते हैं इसका सिंपल मतलब है, एक स्टिक है स्टिक ए दूसरी स्टिक है स्टिक बी और तीसरी स्टिक है स्टिक सी ये है ए स्टिक ठीक है ना ये है स्टिक ए ये है स्टिक बी जो ए सबसे ए बड़ा है बी से अब आती है स्टिक सी तो स्टिक बी बड़ी है स्टिक सी से यानी ए इज बिगर और लार्जर देन बी एंड बी इज लार्जर देन सी या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो बी है वो ए से छोटा है और जो सी है वो बी से छोटा है यानी सबसे लंबा यहां पे कौन हुआ लार्जर कौन हुआ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ मान सकते हैं ये ये बात अब निकाला बच्चे ने जब उसको ये स्टिक दिखाई गई पिक्चर दिखाई गई समझ में आ गई बात लेकिन जब उससे ये बात वर्बली पूछी गई यानी मौखिक रूप से जब पूछी गई तो वो घबरा गया जब सामने उसको कुछ प्रेजेंट नहीं किया मूर्त रूप में कुछ नहीं दिखाया कॉन्क्रीट दिखाया ही नहीं जिसको वो टच टच और फील कर सके उसको दिमाग में सोचने को कहा गया ठीक है ना बताइए कौन सी स्टेज है तो एट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो बच्चा है वो प्याजे की किस स्टेज पर है बताएगा कोई मन कर रहा है किसी का क्या कह रहे हो जवाब दे चुके हैं हम तो पोल में ही थर्टी वन परसेंट लोगों को ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लग रहा है और फॉर्मल लग ऑपरेशनल तो लग ही नहीं रहा किसी को देखो फॉर्मल ऑपरेशनल में ये वाले जवाब बच्चा नहीं दे पाता क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिक वाली चीज हो जाती है और लॉजिक यहाँ नहीं होता ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसको कह रहे हैं लोग तो ये सही नहीं नहीं होगा सेंसरी मोटर में तो तो मतलब ही है इसका फॉर्मल ऑपरेशनल तो इसके और आगे की बात हो गई यहाँ पे तो वो वर्बली भी बता देता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पूछा है ना आपने वर्बली तब भी बता देता है यहां तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी आ जाता है अमूर्त भी तो ये है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे क्यों क्योंकि वो बता पा रहा है देख करके मूर्त रूप में पिक्चर देख के या उसके सामने इमेज है कोई या फिर उसके सामने आपने रख दिए हैं दोनों स्टिक्स या तीनों स्टिक्स तो वो बता पा रहा है लेकिन जैसे आप वर्बली पूछ रहे हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है ये वो स्टेज है जब आपको चीजों को मूर्त रूप में प्रेजेंट करना होता है चार्ट के थ्रू या असली कोई थ्री मॉडल ले गए आप ठीक है ना सात से ग्यारह वर्ष तो ये सही उत्तर इसका ए ऑप्शन है ठीक है इतनी बात क्लियर है बोल बहुत बो, जल्दी गए खुद दिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर बताइएगा जवाब दीजिएगा इसको ट्रांजेटिविटी बोलते हैं A बड़ा है सी से, से तो एंड सी ट्रांति है ठीक है ना मैं लिख भी देती हूँ बहुत ही तेजी से बिना किसी दुख दर्द समस्या के क्योंकि समस्या है क्या बस ये नौ बजे वाला सेशन अटेंड करते रहना है पेपर से पहले और जो मैराथन वगैरह है वो देख लेनी है मोर देन एनअ हो जाएगा चीजें काम की ही कराई जाएंगी है ना सारे टॉपिक्स हम खत्म कर चुके हैं एट विच स्टेज ऑफिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास यानी हमारे दिमाग हमारे thinking, reasoning, problem solving, इन सब के डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, डू चिल्ड्रन डेवलप दिन होता है अनुमान लगाना या फिर एक कॉन्क्लूजन पे आना एक निष्कर्ष पे आना एंड एबस्ट्रैक्ट लॉजिक अब एक अनुमान लगाने लगा और अमूर्त चिंतन आ गया यानी वो अब एक निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि भैया ये बड़ा है इससे या वॉट एवर सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है एक अनुमान लगा पाता है हाइपोथेसाइज कर पाता है किसके बारे में और अमूर्त चिंतन आ गया है जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हो समझ जाओ ए एफ लिख लो इसको दिमाग में है ना ए एफ बोले तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट कब आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में तो ये सबसे लास्ट स्टेज में आता है एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि कॉन्क्रीट तो वो है जिसको आप देख सकते हो टच और फील कर सकते हो एबस्ट्रैक्ट वो है जो दिमाग में है विचारों में में है है वर्बली आप बात कर रहे हैं हैं जिसके बारे में. तो औपचारिक संक्रियात्मक जिसको से वर्ष की उम्र कहते हैं, ये है जहां पे कॉन्क्रीट लिखा होगा या लॉजिक लिखा होगा सिर्फ तो देखिए एबस्ट्रैक्ट लॉजिक है तो फॉर्मल ऑपरेशनल कॉन्क्रीट लॉजिक है या सिर्फ लॉजिक है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा एबस्ट्रैक्ट आ गया इसका मतलब फिर आंसर आपका डी ही होने वाला है इन तीनों का कोई रोल बचता नहीं है

डैश इज सेट टू अकर वेन द चाइल्ड मॉडिफाइज द एक्सिस्टिंग स्कीम टू अकाउंट फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं इसमें बहुत लोग क्या करते हैं गड़बड़ करते हैं इसमें नहीं इसमें नहीं करेंगे एक और क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको बता दिया ना मॉडिफिकेशन के बारे में तो कल बताया था एडजस्ट करना मॉडिफाई करना चेंज करना चेंज तो खैर दोनों ही प्रोसेस में होता ही है दो हजार के नोट का सर्कुलेशन बंद हो गया आप बहुत दुखी हैं आपकी जब मैं बहुत दो दो हजार की गड्डियां भरी हुई हैं देखिए कोई बात नहीं है आ जाइए इधर ये सारी दुनिया का पता रखना है पेपर में क्या आएगा ये भी पता है कि नहीं क्वेश्चन नंबर देखो जीन प्याजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है है संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है मतलब जो आज का प्रेजेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज है यानी जो मुझे आज पता है मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नए अनुभव मतलब मुझे लगता था कि भैया चलो 2000 का नोट का एग्जाम्पल दे रहा था ना कोई कि 2000 का नोट उस उसपे हालांकि उसमें टर्म्स एंड है है बट मान लेते हैं कि 2000 का नोट जो है, आज तक चलता था या पुराने वाला 500 और का नोट तो हजार का नोट जो है एकदम बढ़िया चीज थी दो आप हजार का नोट निकाल के और वो अक्षय कुमार कौन सी मूवी है वो फिर हेरा फिर, फिर वट एवर तो उसमें वो दिखाते रहते हैं वो तीन नोट तो हजार के नोट की वैल्यू थी दिमाग में आपके स्कीमा में था हजार का नोट है भैया इससे कुछ मिलेगा जैसे ही हजार का नोट बंद हुआ या पांच हजार के नोट बंद हुए अब आप अगले दिन निकाल के दे रहे हैं हजार का नोट रह गया आपके पास मान लीजिए अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा मॉडिफाई किस में करना पड़ेगा नया पांच का नोट या दो का नोट अब इसकी वैल्यू नहीं है मॉडिफिकेशन में आपको एकोमोडेट करना पड़ता है है ना एकमोडेट करना पड़ता है यदि आप पुरानी जानकारी को चेंज कर रहे हैं मॉडिफाई कर रहे हैं एडजस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ तो एकोमोडेशन कहलाता है समायोजन अगर आप कुछ ऐड कर रहे होते मान लीजिए और, और एक दो हजार का नोट और आ जाता तो आप एसिमिलेट कर लेते बस ठीक है ना तो यहां पर सिंपल समायोजन या संगठन जैसा यहां कुछ हुआ नहीं है मेटाकॉग्निशन और इसका फोल्डिंग का यहां कोई संबंध बनता नहीं है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पर देखिएगा जरा ईगो सेंट्र बताइए फटाफट से बताइए देखिएगा हाँ, बिल्कुल सही बात है मनीष ये कब हुआ अरे उसमें कुछ कुछ चीजें हैं कि मतलब वो तीस सितंबर तक का टाइम वाइम है चीजें हैं कितनी चिंता है लोग हैं बहुत दबे हुए नोट पड़े हुए हैं देखो एक बार क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है फर्स्ट फरवरी 2023 पेपर टू है क्या कहा है प्याजे की थियरी में यानी जीन प्याजेस थियरी ईगो सेंट्रिज्म रेफर्स टू यानी अहम केंद्रता किस मायने क्या है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार

का जाना है कि आप एक से ज्यादा पहलू देख पा रहे हैं किसी समस्या के द टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेस इन टू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कल हम पढ़ रहे थे ना अडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन तो ये संगठन कहते हैं कि जब आप अपनी मानसिक संरचनाओं के आधार पर जानकारी को संगठित कर रहे हैं कि ये इस बारे में है ये इस बारे में है ये इस बारे में है सी ऑप्शन है द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड तो ये तो भाई साहब आप अडैप्ट कर रहे हैं डी ऑप्शन है द टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट यानी दुनिया को देखने का जो चश्मा है वो आपका अपना है लोग क्या फील कर रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता आप कैसा महसूस करते हैं उस चीज के बारे में वैसा आप सोचते हैं है ना तो दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति कि भाई वही जो बात पिताजी ऑफिस से डांट खा के आए हैं बट बच्चे को चॉकलेट चॉकलेट चाहिए थी आप क्यों नहीं लेके आए वो इस बात पर रोएगा उसको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है दुनिया में है ना बहुत ही छोटा बच्चा है तो इवन डेथ में भी उसको आइडिया नहीं लगेगा क्या हो रहा है वो आपको खेलता हुआ मिलेगा क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकता चीजें ईगो सेंट्रिक है सेल्फ सेंटर्ड है उसको लगता है जो मेरा फेवरेट है वो सबका फेवरेट है जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद है डोरेमोन बुरा है आपने कैसे कह दिया वो वाला कार्टून खराब है छिंचन बुरा है लड़ाई करना शुरू कर देगा क्यों क्योंकि उसको सिंछ पसंद है तो वो एक्सपेक्ट करेगा सबको पसंद होगा यानी पूरी दुनिया को देखने की नजर उसकी अपनी नजर है दूसरे के परस्पेक्टिव से दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाता कई लोगों में ये अडोलसेंस अडोलिसेंट इको सेंटर भी एक चीज होती है और कई लोगों में मुझे लगता है ये जीवन भर रह जाता है थोड़ा बहुत तो हम सभी में होता ही है ठीक है जी तो द एबिलिटी टू कंसिडर मोर देन वन आस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट अ टाइम ये तो ऑपोजिट है का तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर पर क्या है ये ग्यारह हजार आठ सौ लोग हैं और चार हजार पांच सौ लोगों ने लाइक किया आधे लोग भूल जाते हैं आधे से भी ज्यादा लोग आकर के लाइक शेयर करना तो ये इक्वल रखना होता है प्याजेस थियरी इन प्याजेस थियोरी द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन ईदर मॉडिफाई यानी या तो वो मॉडिफाई करते हैं यानी या तो वो चेंज करते हैं बदलाव लाते हैं देयर स्कीमास अपने स्कीमा में और मेक न्यू वंस ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट इज कॉल्ड यानी या तो नया स्कीमा बनाएंगे स्कीमा क्या है पूर्व ज्ञान जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है वो सब स्कीमा में है जिसकी वजह से आप चीजें पहचान पा रहे हैं समझ पा रहे हैं क्योंकि स्कीमा में लैंग्वेज है आपके या बाकी चीजें भी होंगी है ना क्लियर है तो अगर हम बात करें यहां तो नया स्कीमा बनाना न्यू स्कीमा क्रिएट करना या फिर पुराने को मॉडिफाई करना या फिर पुराने को मॉडिफाई करना किस में आएगा ये इनवेरिएशन है ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है कंडीशनिंग का प्याजे से कोई संबंध नहीं है इक्वलिब्रेशन है इक्वलिब्रेशन तो होता है जो दिमाग में है और जो आपकी दुनिया में है वो बैलेंस में है बैलेंस की स्थिति इक्वलिब्रेशन है जब ये बैलेंस में नहीं होंगे तो डिस आ जाएगा या डिस आ जाएगा तो यहां पर आंसर हिंदी में अगर मैं कहूं क्योंकि ऊपर नीचे हो गया हिंदी का आंसर तो ये ऐसे आया होगा पेपर में भी एक बार इंग्लिश की तरफ देख लेना क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है तो अगर मैं देखू यहां तो हिंदी में आंसर डी ऑप्शन होगा और इंग्लिश में आंसर सी ऑप्शन होगा है ना अडेप्टेशन और हिंदी में डी लेकिन अगर ऐसा पेपर में हुआ है या हो सकता है होता है कई बार तो आपको इंग्लिश वाला आंसर एक बार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है यदि कोई मिस्टेक पेपर में होती है ज्यादातर एग्जाम्स का यही रूल है ठीक है ना तो अडेप्टेशन यानी ये अडेप्ट करना है इस अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमडेशन यानी समायोजन और क्या आता है आत्मसातीकरण दोनों आते हैं या तो आप ऐड करते हैं या तो आप चेंज करते हैं और इसी के थ्रू आप अडेप्ट करते हैं नई सिचुएशन में ठीक है जी तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ये आया है नाइन्थ जनवरी को पेपर टू में

तो अगर हम बात करें डिफिकल्टी किस चीज में होगी लॉजिक तो आ गया परेशानी किस चीज में होगी यह पूछा है हमसे तो पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में बट ये सिंबॉलिक स्टेज तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे इसको सीमियोटिक फंक्शन भी कह देते हैं भाषा बदलने में पूरा माहिर है पेडोगोलॉजी में लैंग्वेज का खेल है आपका जो पेपर है वो भाषा बदलने में एकदम परफेक्ट तो ये तो दो से सात वर्ष में आ जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब हम कल बात कर रहे थे है, हैरी पॉटर की झाड़ू पे उड़ना वो अकड़ वो जो आपका शकलक शुम था या आपको पता है कि ए फॉर एप्पल होता है तो दिमाग में एप्पल का सिंबल आते ही क्या बन जाएगी इमेज बन जाएगी मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा जो चीज आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी आप मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना पाएंगे है ना तो ये क्या है बताइए जरा डिफिकल्टी होती किसमें है ये पूछा है फटाफट से बता दीजिए और कोई समस्या हो तो वो भी बता दीजिए जवाब देखें आपका क्या है 44% परसेंट लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग वाह 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 बात तो आपकी सही लग रही है यार हमें है ना हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्योंकि ये देखो हिंदी में गड़बड़ है या तो हमारे टाइपिस्ट जी ने किया है जो कि संभावना कम ही है वो तो बड़ा ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं बट मैं एक बार चेक करूंगी या तो इन्होंने पेपर में गड़बड़ की होगी ऐसा हो सकता है पेपर में गड़ में गड़बड़ हो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी ये जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या है आप पहले से हाइपोथेसिस कर पा रहे हैं कि इस चीज का प्रभाव ये होगा है ना आप साइंस में इकोनॉमिक्स में एडवांस थिंकिंग है एक तरह की ठीक तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आ चुका होता है ये दोनों अचीव हो जाते हैं conservation और तो option ही है जिसमें डिफिकल्टी होगी बच्चे को क्वेश्चन एट देखिएगा क्वेश्चन नंबर एट है पढ़िए और जवाब दीजिए यह है ट्वेंटी जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर यानी पेपर वन है क्या समझे कुछ नहीं है समझे कि नहीं बताइए आप तो. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन कह रहे हैं डी कह रहे हैं सी कह रहे हैं डी कह सिक्सटी सिक्स परसेंट लोग चलिए समझते हैं कहानी क्या है समझते हैं कहानी क्या है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थियरी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट भाई इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन डिवेलप कंसर्न अबाउट सोशल इशूज ये हम एक सेशन में और कर चुके हैं एक दो क्वेश्चन है जो मल्टीपल शिफ्ट में रिपीट हुए हैं ये उनमें से एक है तो सामाजिक मुद्दों पर और जस्टिस की न्याय की बात करने लग जाएगा बच्चा और ये आप गोलबक की थियोरी से भी निकाल सकते हैं वो भी अडोल्टेंस के बाद ही होती है चीज ये 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 में में ही होती है ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कि आप सच एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं समाज में उस पर जाएंगे जस्टिस की बात करने लग जाएंगे कि भाई ये महिलाओं के साथ गलत हो रहा है महिला और पुरुष का बराबर होना चाहिए जो इश्यूज हैं या ऐसे सामाजिक मुद्दे जितने भी चले आ रहे हैं ये सब किशोरावस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल क्योंकि अब अमूर्त चिंतन आ गया जो हो रहा है जस्ट उस पर ही नहीं उसके पीछे भी जाके आप सोच सकते हैं हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग आप कर सकते हैं कि किसका परिणाम क्या होगा तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ग्यारह से चौदह वर्ष जिसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं और न्यायिक व्यवस्था पे वो सोच पाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए जवाब दीजिएगा फटाफट से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए प्याजे के ये तो पूरी वही कहानी है प्याजे के जीन प्याजे के कॉगनेटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू इमिटेट अदर्स यानी अनुसरण या नकल करना किस उम्र में शुरू कर देते हैं बताइएगा लड्डू क्वेश्चन है एकदम बट इसमें भी कंफ्यूज होते नजर आ सकते हैं कई लोग देखिएगा खूब गलत उत्तर इसमें दे रहे हैं लोग फटाफट चाहिए सा अगर हम बात करते हैं कि इमिटेट करना यानी दूसरों का अनुसरण या अनुकरण करना नकल करना कॉपी करना बच्चा कब शुरू कर देगा पोल गलत कैसे आ रहा है दिखाना जरा क्वेश्चन नंबर ही तो लिखा है यार देखिए पोल वाले भैया को दोष देते करो आप लोग हैं सेंसरी मोटर यानी जन्म से दो वर्ष में बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देगा दो से सात वर्ष में सात से ग्यारह में या ग्यारह से चौदह में देखिए नकल तो वो यहां भी कर सकता है नकल वो यहां भी कर सकता है नकल वो यहां भी कर सकता है नकल तो आप आज भी कर सकते हैं ना चाहे बीस साल के हो जाए चाहे 80 साल के हो जाए नकल करना तो आ गया लेकिन शुरू कब से हुआ ये पूछा है बिगिन टू इमिटेट शुरुआत तो जन्म से दो वर्ष में ही हो जाती है संवेदी गामक इंद्रिय गामक सेंसरी मोटर ठीक है डेफर्ड इमिटेशन पढ़ते हैं हम हर साल आपको याद होगा वो डेफर्ड इमिटेशन विलंबित अनुकरण यानी सिर्फ नकल नहीं बल्कि आपने बच्चे ने आज माताजी को मेकअप करते हुए देखा पिताजी को शेव करते हुए देखा आज नहीं आप दो दिन बाद घर में आए बच्चा पूरा पुता हुआ है मेकअप उसने जो आ, आ, आपका आईलाइनर है वो लगाया है लिप्स पे और जो लिपस्टिक है वो लगा ली है आंखों पे तो ये क्या है इमिटेशन उसने जो देखा था वो बाद में में भी उसको विलंबित रूप में याद रख पाया और वो रिपीट कर दिया उसने तो इमिटेशन की शुरुआत सेंसरी मोटर स्टेज से ही हो जाती है है ना और ये रहता प्री ऑपरेशनल में भी जीवन भर रहेगा तो शुरुआत कहां से हो रही है सेंसरी मोटर से हो रही है तो इसमें फिफ्टी लोग गलत उत्तर दे रहे हैं इसका जो सही उत्तर है वो है सेंसरी

थोड़ा सा सीरियसली भी करना है ताकि सच में आपको फीडबैक मिल सके कि आपके सामने जब ऑनलाइन में पेपर आएगा तो आप सही उत्तर पढ़ के फटाफट से मार्क कर पाएंगे समय बचा करके उसकी प्रैक्टिस है ये ठीक है जी तो अगर हम बात करें 33% परसेंट वाले में थी मैं कोई कह रहा है बहुत बढ़िया जी क्वेश्चन नंबर टेन है इन अकॉर्डिंग टू जीन प्याजेस थियोरी ऑफ कॉगनेटिव डेवलपमेंट अ टीचर शुड गिव टास्क टू इलेवन ईयर फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली यानी सात से ग्यारह वर्ष के बच्चों को किस तरह के टास्क देने चाहिए एक टीचर को यह पूछा है बताइए फटाफट से किस तरह के टास्क तो कौन सी स्टेज होती है सात से ग्यारह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तो टास्क कैसे होने चाहिए मूर्त होने चाहिए जिसपे लॉजिक लग पाए और चीजों पे लॉजिक लगा पाए बच्चा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग के टास्क तो फॉर्मल ऑपरेशनल में देने हैं लास्ट स्टेज में 11 से 14 में रिवर्सिबल थिंकिंग हाँ इस स्टेज में रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है क्यों क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन आता है संरक्षण संरक्षण में रिवर्सिबल थिंकिंग की जरूरत होती है डिसेंट्रेशन की जरूरत होती है तो यहाँ स्टेज आज नहीं कहते ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से दो वर्ष में ही आ जाता है सात से ग्यारह में रिवर्सिबल थिंकिंग ही प्रतिवर्ती चिंतन के बर्फ पानी बन सकती है यानी आइस कैन बिकम वाटर और वाटर कैन बी फ्रीज इन आइस तो ये क्या है ये रिवर्सिबल थिंकिंग है एक से सौ तक सौ से एक तक ठीक ये सीरिएशन का गुण हो गया अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल से घर और घर से स्कूल का रास्ता

तो अब वो अमूर चीजें जो उसके सामने नहीं है उसको भी तार्किक रूप से उस पर चिंतन कर पाएगा लॉजिक लगा पाएगा कौन सी स्टेज है भैया एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो सीधा दौड़ के जाओ फॉर्मल ऑपरेशनल पे 11 से 14 वर्ष आसान सा क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं है अगर इसमें कॉन्क्रीट लॉजिक लिखा होता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इजी लग रहे होंगे अब तो क्वेश्चंस कल के डिस्कशन के बाद अभी कुछ चीजें हैं जो आपको पता लगेंगी हम नया कुछ, कुछ करेंगे लॉजिकल फैशन यानी तर्क तो आ गया है और तर्क सबसे पहले कब आता है आपको पता है सात से ग्यारह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ठीक है बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली क्या होता है परिकल्पना मान लीजिए कोई बच्चा है जो रोज लेट आता है ठीक है तो जो व्यक्ति सात से ग्यारह उम्र के जो उसके सहपाठी होंगे वो जरूरी नहीं है इस बात पे हाइपोथेसाइज कर पाए परिकल्पना कर पाए कि इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा हमारी क्लास में एक लेट आता है वो सोचेंगे अरे यार तो जान की लेट आता है वो एक ही पर्सपेक्टिव पे ज्यादातर टिके रहते हैं है ना तो लॉजिक तो है उनमें लेकिन परिकल्पना नहीं है वो उतना इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इसके पॉसिबल सोल्यूशन रीजन क्या हो सकते हैं एक प्रॉपर लॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू क्योंकि हाइपोथेसिस या परिकल्पना की जो उम्र है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल ग्यारह से पंद्रह वर्ष ठीक है ना तो सेंसरी मोटर में तो लॉजिक आता नहीं है भैया प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहली बार मूर्त चीजों को लेके लॉजिक आ जाता है तर्क आ जाता है

वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग जिसकी हम आज के समय में बात करते हैं जिसकी कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है रचनावाद बात करता है कि बच्चा अर्थपूर्ण ढंग से सीखे ठीक है नेहा चलिए बताइए 75 परसेंट लोग डी कह रहे हैं जहां बच्चा एक्टिव होगा भाई मीनिंगफुल क्या होती है कोई भी चीज अर्थपूर्ण कब होगी जब आप उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे है ना भाई जिस शादी में आप मन भर के आपने तैयारियां की हैं है ना कपड़े सिलवाए हैं डांस किया है ये वो अब वो आपके लिए मीनिंगफुल हो गई वो आपको याद रहेगी जिसमें आप एक्टिव हैं जिसका आपको पता ही नहीं पता नहीं रोज कितनी शादी हो रही है वो मैटर नहीं करती है ना इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं बेसिकली जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ जाती है चीज या वो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाती है जो चीज आपके जीवन से नहीं जुड़ पाती या जो

बाय डिफॉल्ट पता पता है आपसे पूछे कोई टू फाइव जा कितना होता है आप फटाफट बता, देंग, बता देंगे बता देंगे टेन कैसे आता है ये बेशक ना पता हो आपको वेन ऑफर्ड नहीं करते वेन अडल्ट टेक कंट्रोल एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन यहां पर कंट्रोल की बात नहीं होती बच्चा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेटर है लिटिल साइंटिस्ट है नन्हा वैज्ञानिक है बच्चा भी बराबर का सक्रिय भागीदार है सीखने में ठीक है जी तो एक ही ऑप्शन है जो बच्चे को एक्टिव रखता है जो बच्चे को जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वही उत्तर सही है खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी में जब बच्चा संलग्न होगा तो लर्निंग मीनिंगफुल होगी भूलेगा नहीं जीवन से जुड़ जाएगी तीस जनवरी पेपर टू डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर है फोर्टीन देखिएगा एक बार क्या कहानी है फोर्टीन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट यानी सही नहीं है अबाउट पियाजेज प्रपोजल अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस यानी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन लेकिन आप इसमें फंसेंगे देखिएगा 30 जनवरी को ये भी पेपर टू का ही क्वेश्चन है यानी yani प्याजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम जो है कौन सा वाक्य सही नहीं है उस क्रम के बारे में यानी जो, जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट के लिए दी है कौन सी बात उन स्टेजेस के क्रम के बारे में सही नहीं है पहला ऑप्शन है ऑल आस्पेक्ट ऑफ कॉग्नेटिव चेंज इन एन इंटीग्रेटेड फैशन फॉलोइंग सिमिलर कोर्स यानी संज्ञानात्मक बदलाव

वो स्विस बच्चों के लिए भी वही बात लागू होगी जो अमेरिकन बच्चों के लिए होगी क्योंकि स्टेजेस जिसने भी दी है वो सबके लिए सेम ठीक ना तो बी ऑप्शन कह रहे हैं लिएवन परसेंट लोग बहुत बढ़िया मुझे उम्मीद कम थी कि आप ये सही उत्तर देंगे स्टेजेस कैन बी स्किप्ड यानी गलत क्या है ये पूछा है कि स्टेजेस को स्किप किया जा सकता है यानी आप सेंसरी मोटर से छलांग लगा करके फॉर्मल ऑपरेशनल पे पहुंच सकते हैं बीच में प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को जंप कर दिया आपने जैसे कक्षा एक से डायरेक्ट पांच में पहुंच गए हो ऐसा संभव यहां नहीं है स्टेजेस फिक्स्ड हैं सभी कल्चर के लिए फिक्स्ड हैं यह बात यहां गलत हो गई और हमसे यही पूछा था क्या गलत है जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था तो एक चरण को लांग कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है ये बात एकदम गलत है प्याजे की स्टेजेस के बारे में स्टेजेस अकार इना फिक्स्ड ऑर्डर बिल्कुल सही बात है एक सीक्वेंस में होती है को ऐसा थोड़ी कर दोगे कल को कि एसपीसीएफ को आप कर दो एफ पॉसिबल नहीं है ना उल्टा करना एक सीक्वेंस है एक उम्र है जन्म से दो वर्ष फिर दो से सात वर्ष सात से ग्यारह ग्यारह से चौदह ऐसा नहीं कर सकते कि उल्टा शुरू हो जाए है ऑर्डर स्टेजेस आर यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक पूरी दुनिया में एक ही जैसी रहेंगी बिल्कुल स्विट्जरलैंड में भी वैसी रहेंगी जैसी अमेरिका में रहेंगी जैसी भारत में रहेंगी दे आर अज्यूम्ड टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रन एवरीवेयर यानी सभी बच्चों के गुण दर्शाती है चाहे वो कहीं के भी बच्चे हो उनके दिमाग का विकास इसी तरह से होगा जिस तरह से प्याजो ने अपनी स्टेजेस दी है एक स्टेज का बच्चा दुनिया का कोई भी बच्चा हो उस उम्र में वैसे ही बिहेव करेगा तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि स्टेज स्किप की जा सकती है देखिए जिसने भी जो भी स्टेज थ्योरिस्ट है वो मानेगा एक तो कि डेवलपमेंट डिस्कंटीन्यूअस है क्योंकि उसने स्टेज में तोड़ दिया तो वो डिस्कंटिनुइटी बन गई डेवलपमेंट की दूसरी बात वो एक और मानेगा कि स्टेजेस कभी भी स्किप नहीं होती वो क्या हो सकता है वो है हाइट्रोजिनस एंड होमोजीनियस बताऊंगी अभी डोंट वरी अभी आगे आएंगी चीजें बहुत सारी सब क्लियर हो जाएगा डोंट वरी अगर हम बात करते हैं आज नहीं मतलब आगे आने वाले सेशंस में अगर हम बात करते हैं किसकी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा उसकी स्टेज ऐसी नहीं होती कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाके स्टेज बदल जाएंगी ऐसा नहीं है ये कोई गाड़ी का मॉडल नहीं है कि कोई कार का मॉडल इंडिया में अलग आ जाएगा अमेरिका में अलग आ जाएगा यहां स्टीयरिंग राइट है कहीं और लेफ्ट होगा ऐसा नहीं चलेगा ये स्टेजेस फिक्स होती हैं कोई भी हो चाहे वो कोलबर्ग की स्टेज हो प्याजी की स्टेज हो सिगमन फ्राइड की स्टेज हो एरिक एरिक्सन की स्टेज स्टेज हो जिसने भी स्टेज की बात की है वो पूरी दुनिया में स्टेजेस सेम रहेंगी ठीक है ना चलिए बहुत बढ़िया आगे मस्त तैयारी कीजिए जितेंद्र यादव जी आपका भी सीटेट हो गया है क्रैक तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये आया है चौबीस जनवरी को अभी 2023 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ है पेपर वन अकॉर्डिंग टू प्याजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट यानी पियाज़ी के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यही क्वेश्चन कल भी किया था बस उसके ऑप्शन चेंज थे ऑप्शन डिफरेंट थे भाई प्याजे कंडीशन की बात नहीं करते नकल की बात ऐसा सच नहीं करते बट किसी स्टेज में नकल आ जाए तो बात अलग है ठीक है ना

क्लियर है बात या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में आपको हो रही है बताओ एक बार तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर एक्सपीरियंस को ही एक्टिविटी कह देते हैं ये हमें पता है क्वेश्चन नंबर देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा 25 जनवरी इवनिंग शिफ्ट पेपर टू वन ऑफ मेजर क्रिटिसिज्म बहुत प्यारा क्वेश्चन यानी संज्ञानात्मक विकास जो है प्याजे का उसकी एक प्रमुख आलोचना है क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना है नेगेटिव साइड दिखाई है किसी ने उसकी वो क्या है प्याजे की थियोरी की आलोचना क्या है ये पूछा है हमसे पहला ऑप्शन है ही डिड नॉट कंसिडर चिल्ड्रन एज एक्टिव चिल्ला चिल्ला के वो करते रहते हैं। एक भी उनके सामने रख दो कि उसको भी तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, खोलेंगे, देखेंगे टच करेंगे फील करेंगे यानी एक्टिव बींग हैं है। ये कह रहे हैं एक्टिव बींग नहीं है पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म पे या बच्चे के एक्टिव होने पर बेस्ड है और ये कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं होते बच्चे तो प्याजे ऐसा नहीं कह सकते जीते जी और मरने के बाद कभी नहीं कह सकते ऐसा ठीक है ना बी ऑप्शन ही गेव टू मच इंपॉर्टेंस टू दी रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्नेशन भैया टू मच इंपॉर्टेंस प्याजे ने नहीं दी बल्कि उन चार फैक्टर्स में लैंग्वेज है भी नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट ही नहीं है बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट तो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर कह सकते हो बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी लैंग्वेज को इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है ऐसा तो है ही नहीं वो एक बार को वाइगॉस को कह दो तो समझ भी आएगा ही डिड नॉट टेक इन टू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा अब आप कहेंगे भैया वो जो चार फैक्टर है उसमें तो सोशल इंटरेक्शन आता है वो सोशल इंटरेक्शन

रुपए दे दो मैं दो डंडे की बात कर रही थी और गलत काम करे तो दो डंडे लगा दो ये क्या है ये लालच वाला कॉन्सेप्ट है इससे बहुत लंबा नहीं चलता ये है ना जब तक आपको टॉफी मिलेगी तब तक आप काम करेंगे जिस दिन नहीं मिलेगी फिर आप नहीं काम करेंगे एक एक टाइम के बाद टॉफी में मजा आना बंद हो जाएगा तो ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट व्यवहारवादी लोग देते हैं व्यवहारवाद आपके सेशन में या आपके सीटेट के सिलेबस में नहीं है एज सच बट आपको ये इतना पता होना चाहिए कि रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है बच्चे से डील करने का बच्चे को एक्टिव रखना बेस्ट तरीका है तो उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा यही उनका क्रिटिसिज्म है है ना अब ये मत कह देना यार ये भी तो गलत है बट ये प्याजे के बारे में तो नहीं है उन्होंने उन्होंने तो पूछा क्रिटिसिज्म आलोचना बताओ प्याजे की और ये कह रहे हैं रिवॉर्ड पनिशमेंट तो भैया ये तो प्याजे से रिलेटेड ही नहीं है ये सही उत्तर कैसे हो सकता है नहीं तो कई लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है 25 जनवरी को ये पेपर में आया आपके मतलब क्या हुआ समाज और संस्कृति की बहुत ज्यादा बात नहीं की बच्चे की एक्टिविटी क्या है समाज और संस्कृति में उस पर फिर भी इन्होंने कह दिया कि सोशली समाज में वो इंटरक्ट कर रहा है वो अपनी समझ का निर्माण करेगा लोगों के साथ इंटरक्ट करके वहीं बाइगॉस की कह रहे हैं वो दूसरों से बहुत कुछ सीखेगा अपने दिमाग में भरेगा और अपनी एक समझ बनाएगा तो प्याजे ने सोसाइटी और कल्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया ये इनकी एक आलोचना है ठीक तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर जबकि हम बहुत सारी चीजें समाज और संस्कृति से सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा अकॉर्डिंग टू प्याजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉगनेटिव डेवलपमेंट यानी कौन से तत्व हैं जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हमारे संज्ञान हमारे मेंटल डेवलपमेंट में हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जिनकी भूमिका ना के बराबर है या वो फैक्टर्स हैं फटाफट से जवाब दीजिए कल हम ईवीएस करेंगे होपफुली शाम को नौ बजे है ना फिर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को वीक में एक या दो दिन किस दिन इंग्लिश पैडोगलॉजी किस दिन ईवीएस किस दिन मैथ्स मैथोलॉजी चलिए समझते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ फैक्टर्स डज नॉट प्ले चार फैक्टर हैं पता है आपको एम ई एस ई ठीक बायोलॉजिकल मैच्यन यही है वो एम जिसको मैचुरेशन या इसको जेनेटिक्स भी लिख सकता है इसको क्योंकि प्याजे क्या है जेनेटिक एपेस्टोमोलॉजिस्ट भी है मतलब आपकी हेरिडिटी से ज्ञान का निर्माण कैसे होता है यह भी प्याजे ने इस पर बहुत काम किया है यानी वो हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं आप उसको बायोलॉजिकल मैच्यन लिख दो जैविक परिपक्वता लिख दो अनुवांशिकता लिख दो आप उसको जीन्स लिख दो बात बराबर ही है ये मैचुरेशन का मतलब क्योंकि मैच्यन क्या होती है हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी आपकी हेरिडिटी से जुड़ी हुई होती है और गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज ठीक है जी चलिए खैर लैंग्वेज इन चार ऑप्शंस में नहीं है या चार फैक्टर्स में से नहीं है तो इसको मार्क कर लेते हैं एक्सप्लोरेशन यानी एक्सपीरियंस भी कह सकते हो आप इसको और एक्टिविटी दोनों बातें सही है ना तो हम ये कहेंगे भैया भाषा का यहां महत्व उतना नहीं है इन में नहीं आता, तो भाई जहां बच्चा एक्टिव है, वो तो उन्होंने इंपॉर्टेंट माना ही है ना उसको क्वेश्चन नंबर एटीन देखिएगा अब उस एक्सप्लोरेशन में एक, कहीं से भी उठा सकता है वो क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थियरी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट मोस्ट चिल्ड्रन बिकम कैपेबल टू थिंक लॉजिकली यानी तर्क तो आ गया अबाउट कॉन्क्रीट प्रॉब्लम तर्क आ गया वो भी मूर्त चीजों के बारे में तो पहली बात तो लॉजिक सबसे पहले कहाँ आता है और जब लॉजिक आता है सबसे पहले तो मूर्त चीजों के बारे में ही आता है अमूर्त के तरफ तो हम बाद में जाते हैं मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत होता है पढ़ाने में यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं आप पहले आप पहले चार्ट्स के थ्रू बच्चे को आ, कोई पिक्चर्स दिखा करके एक्टिविटी करा के जो चीजें मूर्त है जिनको वो देख सकता है टच कर सकता है फील कर सकता है उसके थ्रू पढ़ाते हैं है ना आप कविताएं भी रिसाइट करते हैं तो पोएम भी आप पूरे एक्शन कर करके रिसाइट करते हैं क्यों क्योंकि ये मूर्त है उसको समझ पाएगा अच्छा मछली जल की रानी है तो वो मछली का आपने उसको मूर्त चित्रण दे दिया जो दिमाग में वो आसानी से जोड़ पाएगा उस चीज को लेकिन अभी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हैं कोई आपको एक्शन करके नहीं दिखाया जा रहा मतलब अब हम अमूर्त की तरफ चले गए तो मूर्त से अमूर्त जाया जाता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाया जाएगा यानी मैं लिख भी देती हूं बात कहीं मिनट रुक जाओ इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं भाई है ना इंग्लिश में ही याद रख लेना हिंदी में बहुत अजीब सा नाम है इसका ट्रांजिटिविटी जिसको याद आ रहा हो हिंदी का नाम वो नीचे लिख लीजिएगा दूसरी बात हम अभी क्या कर रहे थे हम कर रहे थे कि ये सिंपल फंडा है नोट डाल के कहीं लिख लेना बढ़ाते कभी भी कैसे हैं कॉन्क्रीट टू abstract ही जाता है हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है जो डेवलपमेंट है उसका चाहे वो प्याज हो या कोई भी हो है ना कॉन्क्रीट टू abstract यानी मूर्त से अमूर्त की ओर मूर्त वो जिसको हम टच फील कर सके देख सके है ना मूर्त से अमूर्त की ओर दूसरी भाषा में हम इसको कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं सरल से जटिल की ओर जो चीज हमारे सामने है वो हमारे लिए सरल होती है जो सामने नहीं है वो जटिल होगी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये सिद्धांत है पढ़ाने के, टीचिंग के कुछ मैग्जिम्स हैं फॉर्मुलाज हैं अगर मैं कहूं तो आपको बच्चे को इसी की तरफ ले जाना होता है सरल से जटिल की ओर है ना जटिल की ओर या जनरल टू तो स्पेसिफिक भी कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर पहले सामान्य चीजें बाद में विशिष्ट ठीक है इतनी बात चलिए खैर आगे बढ़ते हैं एक छोटी सी बात मुझे आपको कहीं तो बतानी थी हाँ ये ट्रांजिटिविटी वाला ही था ये आपको मिल जाएगा इसी पीडीएफ में लगा हुआ मंडे तक आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी पेंडिंग है तो लॉजिक सबसे पहले वो भी कॉन्क्रीट चीजों के बारे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है ये तो आज के सेशन में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं और ये पूछा भी कई तरीके से है बस लैंग्वेज चेंज किया सेम क्वेश्चन एट्टी लोग सही जवाब आप इसका दे पा रहे हैं बहुत ही खुशी की बात है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन

फिर से व्यवस्थीकरण कर रहे हैं एक बार में नहीं हुआ पहले जो आपने सोचा था एक सोच बनाई थी उसको फिर से चेंज कर रहे हैं कह रहे यार ये इंसान ऐसा नहीं है ऐसा है अब चेंज कर दिया आपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जोड़ के एक समझ बना रहे हैं अपनी ये सब कहा आता है ये डिसिक्लियम है कॉन्सेप्चुलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन है मिसकॉन्सेप्शन है बताइए ऑर्गेनाइजेशन है कल हमने डिस्कस किया था ना कि प्याजे कह रहे हैं कि हम कैसे समझ बना पा रहे हैं या कैसे वो पूरी थियोरी चलती है उसमें एक तरफ है एडेप्टेशन की प्रोसेस जिसमें एसिमुलेशन एकोमोडेशन आता है डिसिप्लिबरियम इक्शन आता है और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन कैसे हम ब्रेन में संगठित करते हैं सारी जा, जानकारी को सूचनाओं को जो भी हमारे दिमाग में अगर वो संगठित नहीं होगा पागल हो जाएंगे हम इतनी इंफॉर्मेशन है ठीक तो पागल मतलब मैनेज नहीं कर पाएंगे है ना वो लिटरली पागल वाला पागल नहीं वो शब्द हम इस्तेमाल करते ही नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तो देखिए

ठीक आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये 11 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए फटाफट से इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना क्वेश्चंस की आप फिर घबराएंगे नहीं है ना अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे जब मिक्स्ड सेट भी किसी किसी दिन हम एक काम करेंगे टॉपिक्स के साथ साथ एक हफ्ते में एक मिक्स्ड सेट भी लगाएंगे जिसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन कर लेंगे

अब इसमें आप कुछ फिट कर रहे हैं आपको कुछ नया पता चला आज से दो हजार की नोट बंद फिट कर दिया कुछ और फिट कर दिया कुछ और फिट कर दिया ब्रेकअप हो गया फिट कर दिया आज प्याजी के बारे में कुछ नया सीखा फिट कर दिया ठीक ये क्या है अब सीटेट में अपियरिंग वाले भी डे वन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं आपका सीटेट लाइफ टाइम वैलिड है क्या कर दिया सीटेट वाले स्कीमा में एड कर दिया है ना फिट कर दिया आपने क्या है ये बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं फोर्टी लोग बहुत बढ़िया आइडिया आपको मिल गया है जिन प्याजी के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें अनुभवों को लगातार सम्मिलित करना हिंदी में इजी है सम्मिलित करना ऐड करना करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे समावेशन कहेंगे या आत्मसातीकरण कहेंगे क्यों क्योंकि आप ऐड ही तो कर रहे हैं देखिए पुराना स्कीमा चाहे आप एसिमुलेट करें चाहे आप एकोमोडेट करें चेंज होता ही है यह अपने आप में कंफ्यूजिंग बात है इससे हम बचते हैं क्यों क्योंकि कंफ्यूजन ना हो अदरवाइज चेंज तो स्कीमा में होना ही होना है चाहे कोई नई इन्फॉर्मेशन आए चाहे हम पुराने को चेंज करें चेंज तो हुआ ही ना आपके स्कीमा में आपके ब्रेन की जो भी इंफॉर्मेशन है पूरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर में है ना तो अगर हम बात करें फिट कर रहे हैं आप कोई नया एक्सपीरियंस किसमें एग्जिस्टिंग स्कीमा में समझ पा रहे हैं तो आपको खाना आता था अब आप चम्मच और कांटे से खाना सीख रहे हैं एड ये है? तो कर रहे हैं खाने के तरीके को ठीक है तो आप एसिमुलेट कर रहे हैं ठीक जब आप पुराने में मॉडिफिकेशन करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे तब वो एक्मोडेशन है कि आपको नई जानकारी की वजह से पुराने को क्या करना पड़ा मॉडिफाई करना पड़ा तभी आप चीजों को ठीक कर पाएंगे बैलेंस में ला पाएंगे सिर्फ आप जगह है ही नहीं तो समावेशन इज दी राइट थिंग ओवर क्वेश्चन ट्वेंटी सेकेंड देखिए फटाफट से क्या कहता है एडवोकेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इंपॉर्टेंस टू यानी रचनावाद के जो समर्थक हैं वो किस चीज को महत्व देते हैं 11 जनवरी 2023 को पेपर वन में पूछा है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को इसका जवाब मैं आपको बता चुकी हूँ इनिशियली शुरुआत में ही अगर आप ठीक से समझ लेते हैं जब कॉन्सेप्ट हम चर्चा कर रहे होते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे आगे चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों ठीक है जी क्लियर है बात कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो आप बता सकते हैं बोलते बोलते देखिए आज आंसर सही नहीं जा रहे हैं मैम। कल वाला सेशन अटेंड किया दिमाग घुमा देते हैं मल्टीपल टाइम्स रिविजन भी चाहिए प्रैक्टिस भी चाहिए क्या कहा जा रहा है उस लैंग्वेज के साथ भी खेलना पड़ेगा है ना तो रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को यानी आपकी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को कल्चरली नॉन रिस्पॉन्सिव पेडोगॉजी यानी सांस्कृतिक रूप से कोई फर्क ही ना पड़े जिस पैडोगॉजी को क्यों दुश्मनी है इनकी नहीं तो ओवर लुकिंग दी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हैं कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग नहीं डाइवर्जेंट क्योंकि बच्चों को एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं तो सिंपल आंसर यहाँ पे क्या है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद रचनावाद बच्चे को एक्टिव रखेगा बच्चे को एक्टिव रखेगा यानी बच्चे को सेंटर में रखेगा सेंटर में रखेगा तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया बच्चे एक्टिव हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड हुआ टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में चाइल्ड सेंटर्ड में तो क्या हो गया यानी ये बच्चे को सेंटर में रख करके बनाई गई मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए थोड़ी सी स्पीड अभी बढ़ाएंगे बताइए आज बहुत गलत हो रहे हैं स्पीड थोड़ी तेज है यह थियोरी जो है प्याजी की यूट्यूब पे ही डाली हुई है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार मैराथन देख लीजिए मैं अगेन भी आपसे यही कह रही नोट्स दिए हुए हैं फ्री वो पढ़ लीजिए बैचेस में है तो अभी थी आएगी ही मैं कराने ही वाली हूँ नेक्स्ट कमिंग वीक में तब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी देखिए तो बैचेस से ज्यादा है बैचेस में आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं चाहे वो सीटेड के बैचेस हों या अदर बैचेस ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट यानी भाषा और विचार के संबंध में कौन सा एक कथन सही है पहला ऑप्शन है जीन सजेस्टेड दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निशन यानी ये प्रस्तावित करते हैं कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है प्याजे तो उन चार फैक्टर्स में मानते नहीं है लैंग्वेज को बट हाँ इसके अगेंस्ट नहीं है वो तो हमको समझना होगा देखो जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ये मान के चलो ये अभी प्रैक्टिस का ही समय है ना यहां गलती होगी तो पेपर में गलती सुधर पाएगी ठीक है ना देखिए लेबाइगोस की

इनका मन किया कि प्याजे को छेड़ लेते हैं लैंग्वेज के बारे में नहीं तो प्याजे और लैंग्वेज के क्वेश्चन साथ नहीं देते जनरली ईगो सेंटर स्पीच तक सीमित रहते हैं ठीक अब आपको एक बार पकड़ लेनी है अगर यहाँ वाइगोस्की नहीं होते आप एक बार को इसके साथ जा सकते थे ये ऑप्शन के साथ जब आपको पता है वाइगोस्की है और वाइगोस्की से बड़ा समर्थक प्याजे नहीं हो सकते वाइगोस्की से बड़े समर्थक लैंग्वेज के चाहे वो कितना भी उसको कुछ भी कह रहे हो तो लेगोस्की सजेस्टेड दैट लैंग्वेज एनेबल्स टूल्स फॉर थिंकिंग भैया भाषा क्या है संज्ञानात्मक विकास में एक यंत्र का एक टूल का, का काम करती है ऐसा वैगौस मानते हैं लैंग्वेज इज अ टूल वो साफ साफ कहते हैं कौन वाइगोस उन्होंने तीन प्रकार की बात की है भाषा की प्राइवेट स्पीच सोशल स्पीच साइलेंट इनर स्पीच ठीक है ना वो कहते हैं लैंग्वेज गाइड करती है हमारे थॉट को लैंग्वेज से डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज हमारे संज्ञान को हमारी समझ को मैं और आप समझ कैसे विकसित कर पा रहे हैं भाषा के माध्यम से तो ये की कहते हैं जब हम समाज और संस्कृति में इंटरक्ट करते हैं बातचीत करते हैं कुछ पढ़ते हैं डिस्कशन करते हैं मीडिया से टीवी देख रहे हैं तो लैंग्वेज जो है अगर लैंग्वेज नहीं होगी कैसे समझेंगे हम हम में और जानवरों में बहुत बड़ा अंतर है ना कि हमारी लैंग्वेज बहुत इवॉल्व है मनुष्यों की ठीक तो लैंग्वेज से हमारी एक से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान जा पाता है हम बहुत सारे वाद विवाद कर पाते हैं है ना कंफ्यूजन भी क्रिएट होते हैं कई बार तो लैंग्वेज एक टूल है संज्ञान के विकास के लिए इसमें एनी डे जब आपको लैंग्वेज के महत्व को समझना हो तो प्याजे से ज्यादा महत्व देंगे ही देंगे उन्होंने तो चार फैक्टर्स में इन्वॉल्व भी नहीं किया लैंग्वेज को ठीक है ना तो बेटर ऑप्शन यहां ऑफकोर्स वाइगॉस की होगा ठीक है क्लियर है क्लियर है चलिए खैर ये बाइगॉस्की के जो आपकी लैंग्वेज स्पीच टाइप्स ऑफ स्पीच है उस उसपे एक मिनट में चर्चा करके निकलेंगे क्योंकि ये जितनी बार रिवीजन होगा ना पेपर तक उतनी बार दिमाग में चीजें दिमाग थोड़ा खुलेगा और गलती करोगे तो याद रहता है जो हम गलत कर लेते हैं ना उसको फिर हमें याद रहता है कि यार इसका ये वाला आंसर मैंने गलत किया था ठीक तीन प्रकार की इन्होंने लैंग्वेज के टाइप्स बताए हैं एक है प्राइवेट स्पीच इस इसपे क्वेश्चन आता ही है हिंदी पैडोगॉजी में भी इंग्लिश में भी और सी में भी कई बार आ जाता है प्राइवेट स्पीच निज वाक कहते हैं इसको क्या कहते हैं निज वाक निज वाक यानी खुद से बातें करना बोल बोल के है ना बचपन में करते थे आपको याद होगा तो ये तीन साल की उम्र तक जो है काफी प्रवेलेंट है है ना तीन से छह के बीच में आपको ये दिखता है तीन वर्ष लिख लीजिएगा दो से ठीक फिर आता है आपका ये भी बाद में आएगा एक मिनट रुकेगा बहुत टाइम हो गया प्याज को मेगा को डिस्कस किए ठीक है ना ये देखिए पहले आता है सोशल स्पीच के बच्चा दो साल की उम्र में बोलना सीखता है समाज में मम्मी खाना दे दो पापा पानी दे दो वॉट तो ये दो वर्ष की उम्र में सोशल स्पीच शुरू हो जाती है दो सेंटेंस जोड़ करके एक नया दो वर्ड्स जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा ये हम पढ़ चुके हैं सामाजिक वाक है समाज में बातचीत करना शुरू कर देगा फिर इसके बाद वो खुद से बात करना शुरू कर देगा प्राइवेट कैबिन होते हैं ना लोगों के उसी तरह से प्राइवेट मतलब खुद से अपने निजी स्पेस में तो इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं ये दूसरे नंबर पर आएगी यानी कि ये तीन से छह वर्ष के बीच की कहीं कहानी है है ना फिर आती है बात आपकी साइलेंट इनर स्पीच की ये हाईएस्ट लेवल कह लीजिए तीनों रहते जीवन भर है ऐसा नहीं है आज आप बात करना चाहें खुद से बोल बोल के तो नहीं कर सकते पेपर में जाते होंगे कई लोग खुद से बातें कर रहे होंगे हिमांशी ने ये बताया था मुझे तो ये याद आ रहा है नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता खुद से ही बातें कर रहे हैं तो ये प्राइवेट स्पीच है जो आपको गाइडेंस देने का भी काम करती है ऐसा वाइगोस की कहते हैं जब आप परेशान होते हैं तब आप खुद से सेल्फ टॉक है एक तरह की है ना पेपर में आ जाता है कई बार तो ये क्या सेल्फ टॉक है जब आप टॉकिंग आउट लाउड खुद से ही बोल बोल के बातें कर रहे हैं मन में नहीं बाहर बातें कर रहे हैं लेकिन कर खुद से ही रहे साइलेंट इनर स्पीच स्पीच है अब ये speech मन में चली गई किसी को गाली भी देनी मन में दे दीजिए उसको बेचारे को पता लगने नहीं वाला छ वर्ष के अराउंड आपकी ये आ जाती है ठीक क्लियर है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं तो प्याजे से तो कहीं ज्यादा महत्व वाइगॉस ने दिया है लैंग्वेज को और इसमें एक और चीज थॉट एंड लैंग्वेज की जब बात चल ही रही है तो यहां पे कहीं लिख भी लीजिएगा आज मैं बैच में बता रही थी जो लैंग्वेज से थॉट की बात या डेवलपमेंट की बात वो प्याजे करते हैं कि लैंग्वेज जो आपका लर्निंग है उससे डेवलपमेंट होगा इसका मतलब क्या हुआ यानी जो आप सीख रहे हैं उससे विकास होगा लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में भी इनके अलग अलग विचार हैं मैं किस दिन जो लैंग्वेज वाला सेशन होगा उस पर चर्चा करूंगी ज्यादा लंबा खिंच जाएगा आज लैंग्वेज के बारे में और थॉट के बारे में प्याजे और बैगौस की दो अलग अलग विचार रखते हैं है ना तो उसपे चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे जब हम लैंग्वेज वाला वाले क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये फिर बहुत लंबा चला जाएगा सेशन ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखिए विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट ये हो चुका है हमारा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है हमारा ट्वेंटी फोर क्योंकि अभी हमें दस क्वेश्चन और करने हैं और ऑलरेडी कितना टाइम हो गया साढ़े दस बजे आपके देखिए थर्ड फेब्रवरी का क्वेश्चन है इवनिंग का अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थियरी ऑफ कॉग्रेटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन कैन ऑपरेट ऑन ऑपरेशन एंड डिवेलप हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग ऑपरेशन मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं लॉजिक उनमें आ गया है और लॉजिक के साथ साथ क्या आ गया है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच आ गई है यानी अब वो परिकल्पना कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में लंबा सोच सकते हैं तो ये सेंसरी मोटर है प्री ऑपरेशनल है जी नहीं ये है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल हाइपोथेटिको जहां लिखा होगा आप समझ जाएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है ना

जो डेवलपमेंट है उनका या लर्निंग की प्रोसेस है उसमें किसको महत्वपूर्ण मानते हैं प्याजे फटाफट से जवाब देंगे आप कोई कह रहा है पोल नहीं आ रहा पोल अगर आपका इंटरनेट वीक होगा तो पोल देर में आएगा आपके पास तो मेक श्योर sure कि अपना इंटरनेट बचा के रखें रात के सेशन के लिए तो, कितने 77 परसेंट लोग ए उत्तर दे पा रहे हैं बहुत बढ़िया आप तो बहुत स्मार्ट हो गए नेगेटिव reinforce, की बात भाई क्यों करेंगे कॉम्पिटेटिव फीलिंग्स प्याजे वाइगॉस की नहीं करेंगे इस बारे में कभी बात फंक्शनल एक तरह की प्रॉब्लम होती है कि आप आपके सामने दुनिया की कोई समस्या आए आप एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं मतलब आप अटक गए आपकी सुई अटक गई है किसी एक चीज पे कि बस है ना वो वाली बात है कि मम्मी आपकी आपको बुखार हो आप फेल हो रहे हो पेपर में आपकी चोट लग गई हो दुनिया का कुछ हो जाए क्या कहेंगे घर वाले आपको फोन में लगा रहता है ये फोन है सारी टेंशन की जड़ फंक्शनल फिक्सनेस हो गई है मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए बस सॉल्यूशन एक ही है आपके पास नए तरीके से उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं इसको मेंटल सेट भी कह देते हैं रेडीनेस टू लर्न इज द राइट आंसर यानी सीखने के लिए तत्परता ये इसको प्याज ने महत्व दिया है इस रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या है इसका मतलब है कि आप मेच्योरिटी आप में आ गई या नहीं वो जो इनकी बायोलॉजिकल मेच्योरेशन वाली वाला पॉइंट है ना फैक्टर है वो है ये इसके पीछे छिपा हुआ यही बात थॉन्डाइक कहेंगे तो वो कुछ और हो जाएगा वो मोटिवेशन से या तैयारी से संबंधित चीजें हो जाएंगी यहां परिपक्वता की बात हो रही है कि आप आप उतने परिपक्व हैं सीखने के लिए जितना जरूरी है उस एज के लिए सेवंथ सेवंथ का सेवन्त का सिलेबस तो तेरह साल के बच्चे को कराया जाएगा ना ऐसा थोड़ी दस साल के बच्चों को आप आठवीं क्लास में बिठा देंगे क्योंकि वो अभी उसका दिमाग उतना मिच्योर नहीं है उस चीज के लिए तो रेडीनेस टू लर्न का मतलब है कि आप बायोलॉजिकली कितने मिच्योर हैं सीखने के लिए

ये आपको पता है सीरिएशन है इसका सही उत्तर मतलब सीरिएशन है इसका मतलब जो है कि सीरीज में लगा पाते हैं सीक्वेंस में और यह कॉन्क्रीट ऑपरेशन में होता है सात से ग्यारह वर्ष में आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी सेवन रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखेगा यह क्या है इन जी पेजीज थियरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग यानी आपकी थिंकिंग जिन ब्लॉक्स से मिलकर के बनी है वो क्या कहलाते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग यानी आप सोच नहीं पाएंगे अगर वो ब्लॉक्स ना हो आपके पास डेटा नहीं होगा स्टोर ही नहीं कर पाएंगे कहीं क्या है ये स्कीमा कहलाता है बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं प्याज कॉन्सेप्ट कोड रिफ्लेक्सेस में तो कुछ मेमोरी नहीं होती वो तो इंस्टिंक्टिव होते हैं है ना आपकी पलकों के झपकने में कुछ स्कीमा थोड़ी लग रहा है वो तो रिफ्लेक्स है तो स्कीमा रिफ्लेक्स तो रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्सेस हमारे सर्वाइवल के लिए होते हैं जैसे बच्चे को सकिंग आप सिखाते नहीं है वो अपने आप जानता है ग्रास्पिंग कि वो उसके हाथ में आप कुछ भी दे दीजिए ऐसे पकड़ लेगा ये रिफ्लेक्स है उसको सिखाया नहीं गया तो ये कुछ रिफ्लेक्सेज ऐसे होते हैं जो आपके स्कीमा में जन्म से सेट होते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए और जवाब दीजिए ये कहता है जीन प्याजी की थ्योरी में एबिलिटी टू वर्क विद सिंबल्स बहुत प्यारा क्वेश्चन इससे आपको दो बातें और जानने को मिलेंगी टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड यानी कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए मैं बात कर रही हूं शक्तिमान के बारे में अब वो यहाँ प्रेजेंट तो नहीं है शक्तिमान है ना लेकिन आपके दिमाग में आ गया होगा शक्ति शक्ति शक्तिमान सिंबल सिंबल आ गया होगा कि कुछ बच्चे तो छत वत से भी छलांग लगा दी थी ना बचपन में होता है ऐसा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो अगर हम बात करें जीन प्याजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में भी चिन्हों द्वारा उसे दर्श दर्शाकर काम करने की योग्यता आपको कह दिया टू प्लस टू अब जरूरी नहीं है ये टू एप्पल आपने कहा और टू बनाना कहा तो ये बनाना आपके सामने है बट आपने मेंटली रिप्रेजेंट कर लिया आपके दिमाग ने कि ये इसका मतलब ये रहा होगा ठीक है सिम्बॉलिक है सिम्बॉलिक स्टेज आपको पता है कौन सी होती है दो से सात वर्ष मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसको एक्मोडेशन रिवर्सिबल कंजर्वेशन नथिंग ठीक है फंक्शन मतलब भी कहलाता है सिंबॉलिक स्टेज को सिमियोटिक फंक्शनल स्टेज भी कह सकते हैं अब आपको इसमें दो बातें जाननी है ये जनरली आपने शायद ना पढ़ी हो जो लोग बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हर कोई डिस्कस नहीं करेगा आपके साथ और ये ना सभी किताबों में आपको देखने को मिलेंगी है ना जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो भी थोड़ी सी एडवांस लेवल की वहीं पे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दो से सात वर्ष अब इसकी भी दो सब स्टेजेस होती हैं जो हम प्याजे की चार स्टेज पढ़ते हैं ना इस सेकेंड स्टेज की भी सब स्टेजेस होती हैं दो कौन सी कौनसी होती है पुराने लोग बताएंगे ये जो पुराने चावल हो चुके हैं ना देखिए बताइए फटाफट से अगर हम बात करें एक स्टेज होती है इसकी सिंबॉलिक स्टेज सिंबॉलिक या सिमियोटिक फंक्शन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे सिंबॉलिक स्टेज कितने से कितने वर्ष फटाफट पट बताओ जल्दी बताओ घर वालों को बता दो चिल्ला चिल्ला के झापड़ खा लेना अगर वो लगाए तो कि इतनी रात को कुछ और नहीं मिला दो से चार वर्ष सिंबॉलिक स्टेज या सिम्योटिक ठीक और दूसरा है आपका इंट्यूटिव स्टेज जो सेकेंड स्टेज है इसी की वो है इंट्यूटिव स्टेज सहजात्मक कह सकते हो यह है चार से सात वर्ष तो इन दो सब स्टेजेस से मिलकर के बनना है प्री ऑपरेशनल दो से सात वर्ष इसलिए इसमें कंफ्यूजन भी बहुत नया नया किया है। जब किसी दिन मैं एक तो ऐड करूंगी वो थोड़ा सर में दर्द करता है सबके उसका एक रीजन ये हम इसके बारे में जानते नहीं है ठीक तो अगर हम बात करें यहाँ इसकी सिम्बॉलिक स्टेज की यानी चिन्हों के माध्यम से सीखना जो सामने नहीं है उसको भी मेंटली रिप्रेजेंट करना है ना और इंट्यूटिव स्टेज है सहजात्मक यानी सहजता से यहां बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है 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 ना यहां पे बच्चा जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा और उसको बहुत कुछ पता होता है वो कैसे पता है वो उसे याद नहीं है कहां सुना कहां देखा नहीं पता लॉजिक की कमी होती है क्योंकि सहजता पे चल रहा है वो जो भी उसने सुना क्वेश्चन पूछे जाना ठीक है सिंबॉलिक स्टेज में वो सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीख जाएगा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट वट ये क्या है? सब सिंबल्स ही तो है तो ये सिंबॉलिक स्टेज जिसमें सिंबॉलिक इस्तेमाल वो सीख जाएगा दो से चार करना सीख गया है उसमें जो डिसेंट्रेशन का गुण है कई बार रिवर्सिबिलिटी भी आनी शुरू हो जाती है इस क्वेश्चन में आप बहुत गंदे फंसते हैं यदि वो ऑप्शन खराब दे, दे तो क्योंकि हमारे दिमाग में आइडिया होता ही नहीं है क्या ये पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सिबिलिटी शुरू शुरू हो 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 जाए जाए या फिर की प्रक्रिया हो यहां पे तो अंत तक जाते जाते हो जाती है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे पूछा है अचीव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही होगा मैं नया चावल लू कोई कह रहा है साधना बहुत बढ़िया अचीव होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज के अंत तक जाते जाते ईगो सेंट्रिक भी आपका डाउन हो जाता है आपका है जो ईगो सेंटर्स में यानी जो आपकी अहम केंद्रता है वो कम होने लगती है क्योंकि अचानक से ऐसा थोड़ी होगा एक दिन आप सात वर्ष के हुए आप फटाक से आज से आप इगो सेंटर होना बंद हो गए वो धीरे धीरे हो रही होगी ना तो इस स्टेज के अंत तक जाते जाते वो चीज कम हो रही होगी ठीक है है ना क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी नाइन ये कर चुके थे ना हम एक मिनट रुको डर डर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए फटाफट से तीन चार क्वेश्चन और हैं बहुत बड़े आप इतनी रात में इतनी मोटिवेशन के साथ लगे हुए हैं क्योंकि कई लोगों को तो लग रहा होगा पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे और अभी पेपर लेंदी हो चुका है मैं ये नहीं कहूंगी मुश्किल हो चुका है बट लेंदी हो चुका है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी अचानक से आप पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे ये जो चार चार लाइन जबरदस्ती लगा दी अगर आप पुराने पेपर देखेंगे दो तक के आपको वो एक एक दो दो लाइन के मुश्किल से क्वेश्चन मिलेंगे देखिए और ये तो छोटा क्वेश्चन है इस साल के हिसाब से नहीं तो इतना बड़ी बड़ी छह छह सात सात लाइन की रामायण में पूरी कहानी देते हैं जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल कराने चाहिए यानी कि सीरिएशन बेस्ड प्रॉब कब देनी चाहिए क्रमबद्धता समझ रहे हैं ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अपवर्ती और अनुवर्ती ऐसा ही कुछ होता था ना क्रम में देना यानी बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में कब देनी चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये भी क्या है बढ़ता और घटता क्रम ही है किस स्टेज में होती है ये बात ये होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सीसीएस याद रखिए कॉन्क्रीट से सीसीएस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं अगेन कंजर्वेशन

माध्यम से क्या स्ट्राइव करना चाह रहे हैं हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम तो जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्ण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है भैया बैलेंस चाहिए व्यक्ति को कि जो मैंने दिमाग में ऐड किया है और जो एडजस्ट करके चेंज किया है वो दुनिया में भी वैसी ही है चीजें जब मैं एरोप्लेन को देखूं तो उसको एरोप्लेन कहूं मेरे दिमाग में वो डिसिप्लिब्रियम ना क्रिएट करे कोई कह ये एरोप्लेन नहीं है ये तो ये है है ना मैं गाय देखूं तो उसको कुछ और ना कह दूं भैंस ना बोल दूं तो ये क्या है बैलेंस में रहे जो मैंने दिमाग में ऐड किया है यानी बैलेंस की स्थिति में रहना चाहते हैं ठीक है ना आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन मनीष अ ईयर ओल्ड बॉय मनीष एक छह साल का लड़का है

तो अगर हम बात करें यहां तो बच्चा क्या है इगो सेंट्रिक है जब वो सेल्फ सेंटर्ड है खुद पे ही सेंटर्ड है दूसरे के दृष्टिकोण को ना देख पाए तो ये इगो सेंटर्स हो गया दो से सात वर्ष प्री ऑपरेशनल का ही एक लक्षण है आगे बढ़ते हैं लिमिटेशन है बेसिकली लक्षण भी क्या है ये लिमिटेशन है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे एट विच स्टेज कैन चिल्ड्रन थिंक डिडक्टिवली देखिए ये क्वेश्चन है जो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं इंडक्टिवली पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा डिडक्टिवली पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा ठीक है ना लाइक like शेयर करने में आज क्या कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, कोता ही बोले तो कंजूसी, है ना? देखेगा। सर में दर्द हो गया ना आपके आज क्वेश्चन सॉल्व करते करते इजी क्वेश्चन करा दो खुश रहोगे हैं देखिए <laughs> क्या सोचे थे दस बीस क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे आपको

अगर बैच नहीं लिया हुआ है बैच लिया हुआ है तो फिर वीकेंड्स पे आपको बैठना पड़ेगा पूरी वीक की क्लासेस खत्म करनी पड़ेंगी है ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बी के एग्जाम खत्म हो जाए तो या तो मतलब थोड़ा सा हो जाएगा मैनेज इतना ऐसा नहीं है कि नहीं होगा है ना बी में हमें बताया आप कैसी कहानियां लिख के आओगे कोई दिक्कत नहीं है देखिएगा अगर हम बात करें इन सबको जोड़ के पूरी कहानियां लिख देना फिफ्टी थ्री परसेंट लोग डी कह रहे हैं डिडक्टिवली बिल्कुल डिडक्टिव आ गया तो फॉर्मल ऑपरेशनल सबसे लास्ट में आता है डिडक्टिव थॉट निगमनात्मक चिंतन जो है वो हाईर लेवल है रीजनिंग का इसलिए ग्यारह से चौदह वर्ष की उम्र में आएगा अगर इंडक्टिव पूछा होता यानी आगमन आगमनात्मक तर्क पूछा होता तो आगमन तो भैया मूर्त संक्रियात्मक में ही आ जाता है जो लॉजिक आता है ना सबसे पहले वो इंडक्टिव लॉजिक ही आता है सबसे पहले सात से ग्यारह में डिडक्टिव आता है बाद में सिर्फ लॉजिक लिखा हो या इंडक्टिव लॉजिक लिखा हो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अगर डिडक्टिव लिखा हो तो फिर या एबस्ट्रैक्ट लॉजिक लिखा हो तो फॉर्मल ऑपरेशनल ठीक है जी कोई कह रहा है पूरी कॉपी भर देंगे बहुत बढ़िया आज नींद भगाने की ट्रिक देखो सपने पूरे करने हैं तो नींद पूरी होना हो सपने पूरे होने चाहिए ये मेरा एक डायलॉग है तो अगर सपने जरूरी हैं रिलेटेड हैं पढ़ाई से कोई बात नहीं नींद ना पूरी होने के कारण इस उम्र में तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको कुछ दिन कुछ महीने अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ किसकी इंडक्टिव लॉजिक की है ना इंडक्टिव रीजनिंग की दो प्रकार के तर्क होते हैं ये दिए अरस्तु नहीं थे अरिस्टोटल ने बट वो आपके सिलेबस में नहीं है आपके काम का नहीं है इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क और दूसरी तरफ है डिडक्टिव लॉजिक या रीजनिंग भी आप इसको कह सकते हो क्योंकि लॉजिक जो है वो तर्क से ही तो बनता है उसको रीजनिंग कह दो आप या लॉजिक कह दो ये मेथड्स भी हैं टीचिंग में डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ठीक है ना बात एक ही है बस आप एक बार इसको समझ लीजिएगा अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं तो हम इसको आगमनात्मक तर्क कहेंगे आगमनात्मक तर्क कहेंगे और अगर हम डिडक्टिव की बात करें तो आप इसको निगमनात्मक तर्क कहेंगे एक बार समझ लीजिएगा ये मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगी बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका निगमनात्मक तर्क ठीक है जी अब अगर हम बात करें ये पहले आ जाता है इंडक्टिव लॉजिक है ना सबसे पहले सिर्फ लॉजिक लिखा हो या इंडक्टिव लिखा हो जो सबसे पहला लॉजिक आता है वो यही आता है है ना लॉजिक और कौन सी उम्र में आता है आपको पता है सात से ग्यारह में प्याजी के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशन या लेटर चाइल्डहुड भी आप मान सकते हो अगर प्याजी के कॉन्टेक्स में ना पूछा हो वैसे पूछा हो तो तो इंडक्टिव लॉजिक से ही हमें इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं जनरली जब बच्चा छोटा होता है तो हम इंडक्टिव का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं अब इसमें क्या कहानी है इसमें आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो यानी उदाहरण से नियम की ओर जाते हो एग्जाम्पल टू रूल जाते हो किसमें इंडक्टिव में जब आप बचपन में संज्ञा पढ़ते हो तो पहले आपसे पूछा जाता है कि अच्छा बच्चे अपना नाम बताओ नाम लिख दिया बोर्ड पे अपनी फेवरेट डिश बताओ छोले भटूरे लिख दिए अपनी फेवरेट सिटी बताओ आगरा लिख दिया अपनी फेवरेट कंट्री बताओ इंडिया लिख दिया ये चारों चीजें क्या हैं आप बाद में बताएंगे कि ये जो चारों उदाहरण हैं ये संज्ञा है किसी जगह किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं ये हमने एग्जाम्पल से बताया पहले एग्जाम्पल प्रस्तुत किया बाद में रूल बताया ये है इंडक्टिव मेथड छोटी क्लासेस में यूज किया जाता है इसको हम नोन टू अनून भी कहते हैं क्यों क्योंकि आपको नाम तो पता था ना जगह का नाम पता था व्यक्ति का नाम पता था तो लेकिन नियम नहीं पता था तो ज्ञात से अज्ञात की ओर भी कह देते हैं इसको ठीक है जी वहीं जब हम डिडक्टिव की बात करते हैं तो डिडक्टिव में आप एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ज्यादा चलते हैं या हम कहेंगे रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं कि जैसे आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले बताया बाद में वो फॉर्मूला आया कहां से थियरम वेयरम प्रूव होने में बहुत टाइम लग जाता है तो पहले आपको नियम बता दिया जाता है ये थोड़ा टाइम सेविंग होता है टाइम सेवर होता है रूल टू एग्जाम्पल यानी नियम से उदाहरण की ओर वहीं अगर हम बात करें इसको हम जनरल टू यानी सामान्य से विशिष्ट भी क्या देते हैं general to specific. हैं हैं अब इसमें कई लोग होते इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि रूल जो है वो हमेशा होता होता है सामान्य होता है सामान्य सभी के लिए एक जैसा भाई का होल स्क्वायर पूरी दुनिया में एक जैसा होगा एग्जाम्पल्स अलग अलग हो सकते हैं आप उसमें नंबर चेंज कर, सक, कर सकते हो या रूल की बात करूं मैं संज्ञा की परिभाषा है ना नाउन इज नाउन इज प्लेस

देखिए एग्जाम्पल स्पेसिफिक होता है एक तरह से तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं वहीं अगर हम देखें रूल टू एग्जाम्पल जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक लेके जाता है क्योंकि यहाँ पहले रूल बताया जाएगा रूल सभी के लिए एक जैसा होता है रूल अलग अलग लोगों पे बदल नहीं जाता जबकि उदाहरण अलग अलग तरह के हो सकते हैं चलिए खैर और एक और बात यहाँ ध्यान रखिए ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये प्याजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ रही है है ना ग्यारह से चौदह वर्ष के बीच में आ रही है क्योंकि इसमें डिडक्टिव लॉजिक लगता है है ना यानी ये बड़े बच्चों के ज्यादा काम की होती है चलिए खैर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए बहुत हो गया पच्चीस जनवरी का ही मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है लास्ट क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन देख रहे हो पूरी कहानियां लिखी हुई है इसमें कहानी सुनो कह रहा है ये क्वेश्चन है ना इतना लंबा uh, कह रहा है रीना अ फाइव ईयर ओल्ड गर्ल इज शोन टू आइडेंटिकल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस बोथ शॉर्ट एंड वाइड इज वाइड इन शेप बोथ हैव एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ मिल्क इन द इन देम शी अग्रीज दैट द क्वांटिटी इज द सेम दोनों में क्वांटिटी सेम है यानी रीमा को क्या दिखाया जाता है दो ग्लासेस दिखाए जाते हैं बिल्कुल सेम क्वांटिटी और सेम बनावट के सेम शेप और साइज के है ना 200 सो एम पानी है इसमें दूध है इसमें और 200 सौ एम ही है इसमें रीमा कह रही है हां दोनों में बराबर है इसको देख के ग्लास ए को देख के भी और ग्लास बी को देख के भी रीमा ने कहा है ना रीमा ने कहा कि हाँ ये तो इक्वल है दोनों में जो अमाउंट है वो इक्वल है ठीक अब अगर हम बात करते हैं कहानी कब कॉम्प्लेक्स बनती है अब समस्या तब उत्पन्न होगी जब इन दोनों ग्लासेस में जिनमें बराबर दूध था किसी एक ग्लास से लेकर के एक पतले और लंबे ग्लास में इस 200 सौ दूध को पोर कर दिया गया डाल दिया गया ठीक है अब क्या होगा

उसको हाइट की वजह से लग रहा है कि इस वाले क्लास में ज्यादा है अब जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्ची क्या रिप्रेजेंट कर रही है देखिए पांच साल की है मतलब समझ जाइए प्री ऑपरेशनल स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दो से सात वर्ष के बीच ठीक डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग यानी वो डिसेंटर नहीं कर पा रही विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही अलग अलग पक्षों को नहीं देख पा रही किसी एक चीज के बिल्कुल हाँ, सही बात है भाई, इसकी हाइट पे फोकस है तो हाइट पे ही है इसकी विद को नहीं देख पा रही है ना इसकी बदलने से साइज और शेप के बदलने से वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आता अमाउंट तो दो सौ एमरी रहेगा चाहे आप उसको किसी बर्तन में डाल दो लेकिन उसका सारा ध्यान सेंटर्ड है इसको टेंडेंसी टू

टू प्लस टू वैसी तो कोई समस्या नहीं है तो तो दूर की बात हो गई। तो में जिसकी वजह से रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाएगी और कंजर्वेशन यानी संरक्षण का गुण भी नहीं आ पाएगा तो ये एक बेसिक बात हुई आउट ऑफ थर्टी थ्री कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे बैचेस में यदि आप एनरोल करना चाहते हैं करियर लैप डाउनलोड करेंगे और एनरोल कर लेंगे खुद को मंडे तक ओपन है, है और, और भी कब भी उप, मिल मिलेगा ये मैं या तो संडे इवनिंग तक या मंडे तक आपको ये दे दूंगी जो भी पेंडिंग दो तीन पीडीएफ है आपके क्लियर है और जो बैचेज में भी कुछ पेंडिंग पीडीएफ है वो भी एक साथ ही मिल जाएंगे ये सेशन होपफुली आपको पसंद आया होगा काफी लंबा सेशन था चर्चा बहुत लगती है इन क्वेश्चंस में है ना क्योंकि बोलने का ही सारा खेल है लैंग्वेज का ही खेल है में तो अगर हम बात करें तो होपफुली आपको अभी भी कोई अगर कन्फ्यूजन रह गई होगी तो आगे जब हम क्वेश्चन भी करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगी वैसे रहेगी नहीं अगर आपने कल का सेशन आज का सेशन और प्याजी की जो थियरी कराई हुई है लेट्स लर्न पे वो अच्छे से देखी हुई है तो आउट ऑफ थर्टी थ्री कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं वो आप बताएंगे है ना और फिर अपने घर जाएंगे ये राइम कर गया बताएंगे घर जाएंगे जबकि आप अपने घर में ही होंगे वो तो बोनस क्वेश्चन था जो हमने शुरुआत में किया था 19th नंबर, उसको पे नहीं किया वैसे तो हमने आज किए 30, 30 अच्छा बाद में आपने ज्वाइन किया होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी धन्यवाद हिंदी गेमिंग ओहो हो चलिए धन्यवाद यार आज के लिए बहुत हो गया मैं कल हम जहाँ तक ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे बाय चांस छुट्टी की संभावना वैसे कल कम ही है बट हो भी सकती है है ना तो कल ईवीएस हम करेंगे नौ बजे ही करेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं निशा मैम कब आएंगी और मजाक कब करोगे आप निशा मैम जो हैं वो मार्च पे जाने की प्लानिंग में व्यस्त चल रही हैं थोड़ी तो उनको बुलाएंगे जल्दी ही बीच बीच में है ना चलो टेक केयर बाय बाय मजाक भी करेंगे डोंट वरी ये इतना सीरियस टॉपिक है यार इतना लेंदी टॉपिक है कि इस पे चर्चा थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है बीच में चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे थैंक यू सो मच बाय बाय टाटा कोई और बात हो आप कॉमेंट्स में बता दीजिएगा